फिल्म से लेकर टीवी इंडस्ट्री की हसीनाएं अपनी एक्टिंग के अलावा पर्सनल लाइफ के बारे में भी सुर्खियां बटोरती रहती हैं। बॉलीवुड की दीपिका पादुकोण हो या फिर टीवी की दिव्यांका त्रिपाठी, फैंस अपनी पसंदीदा एक्ट्रेस के बारे में हर छोटी बात जानना चाहते हैं, लेकिन कई बार इन एक्ट्रेसेस की निजी जिंदगी अफवाह का शिकार भी हो जाती है। सोशल मीडिया पर अब तक कई एक्ट्रेसेस की फेक न्यूज फैल चुकी है, खास तौर से इनकी प्रेगनेंसी की। कौन कौन इस लिस्ट में शामिल है आपको भी बताते हैं। ऐश्वर्या शर्मा। टीवी एक्ट्रेस ऐश्वर्या शर्मा ने हाल ही में सीरियल गुम है किसी के प्यार में शो को अलविदा कहा है। दावा किया जा रहा था कि एक्ट्रेस ने प्रेगनेंसी के चलते ये फैसला लिया, लेकिन ऐश्वर्या की प्रेगनेंसी की खबर तब शांत हुई जब एक्ट्रेस ने खुलासा किया कि वो स्टंट रियलिटी शो खतरों के खिलाड़ी का हिस्सा बन रही हैं। जाहिर तौर पर अब कोई प्रेग्नेंट लेडी तो इस खतरनाक शो का हिस्सा नहीं बन सकती। ऐसे में साफ हुआ कि ऐश्वर्या से जुड़ी ये खबर फेक थी। दिव्यांका त्रिपाठी। दिव्यांका त्रिपाठी की फेक प्रेगनेंसी न्यूज तो कई बार वायरल हो चुकी है। हाल ही में दिव्यांका के पति विवेक दहिया ने सामने आकर कहा है कि उन्हें समझ नहीं आता कि ये बार बार क्यों होता है। अगर दिव्यांका मां बनने वाली होंगी तो वो इस खुशी का इजहार जरूर करेंगे। रुबीना दिले। रुबीना दिले की फेक प्रेगनेंसी न्यूज फैलाना भी आम बात हो गई है। एक्ट्रेस को लेकर कई बार सोशल मीडिया पर दावा किया गया कि वो मां बनने वाली हैं। मलाइका अरोड़ा। बॉलीवुड एक्ट्रेस और टीवी शोज की जज रही मलाइका अरोड़ा की फेक प्रेगनेंसी न्यूज ने तो इंटरनेट पर कई बार तहलका मचाया। इसके बाद उनके बॉयफ्रेंड अर्जुन कपूर और मलाइका अरोड़ा ने खुद सोशल मीडिया पर पोस्ट के जरिए अपना गुस्सा जाहिर भी किया। तनीषा शर्मा। तनीषा शर्मा का नाम भी इस लिस्ट में शामिल है जो अब इस दुनिया में नहीं है। तनीषा की मौत के बाद दावा किया गया था कि एक्ट्रेस मां बनने वाली थी। गौहर खान। गौहर खान के भी मां बनने की अफवाह कई बार फैल चुकी है। हालांकि आपको बता दें कि एक्ट्रेस अब रियल लाइफ में मां बनने जा रही हैं। और दीपिका कक्कड़। दीपिका कक्कड़ को लेकर भी कई बार दावा किया गया कि वो प्रेग्नेंट है। हालांकि तमाम अफवाहों के बाद फाइनली अब वो मां बनने वाली हैं।